This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिसेन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने ऐलान कर दिया है कि वह लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं दे रहे हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली में पीएम मोदी और राहुल गांधी रैली करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली सहित सभी 7 लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को मतदान है। दिल्ली शराब घोटाले में आज ईडी की चार्जशीट पर राउस एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई हो गई। ईडी ने शराब घोटाले में 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार थम जाएगा। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग है। इस फेज में यूपी की 14 और महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार उड़ीसा की 5-5 और झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। मथुरा से जालंधर पंजाब जा रही टूरिस्ट बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई घायल हो गए हैं। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में शिवसेना यूपीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई और एफआईआर दर्ज की है। 25 दिन बाद आखिरकार तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रोशन सिंह सोडी यानी गुरुचरण सिंह घर लौट आए हैं। पिछले 25 दिनों से वह कहा थे कि साल में थे, इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। राज ठाकरे ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि लाखों और करोड़ों मुस्लिम देशभक्त है, कुछ ही उपद्रवी है और कांग्रेस की सत्ता इनका आसान दरवाजा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में रैली के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की तीर कमान शरद पवार की घड़ी चुरा ली, उन्हें जनता जरूर सबक सिखाएगी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि महायुति के लिए चारों चरण अच्छा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि आगे का चरण भी अच्छा रहेगा। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में एनडीए की रैली में पीएम मोदी की खूब तारीफ की है। उन्होंने राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और धारा 370 जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो विपक्षी नेता जेल में होंगे। इस बार महाराष्ट्र की 48 में 42 सीटें इंडिया गठबंधन को दे दी है। छत्रपति संभाजीनगर में जायकवाड़ी बांध के निर्माण के दौरान तोड़े गए शिव मंदिर को दोबारा बनाया जाएगा, इस बात की जानकारी पुरातत्व विभाग ने दी है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक होर्डिंग गिरने के आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने रिमांड में लेने के लिए शुक्रवार को अदालत के सामने पेश किया। आपदा प्रबंधन को लेकर तैयार वैकल्पिक व्यवस्था के परीक्षण के लिए आज शनिवार को भी खुले बाजार ने स्पेशल कारोबार की अच्छी शुरुआत की। स्पेशल सेशन शुरू होते ही सेंसेक्स मजबूती बरकरार रखते हुए 74,000 अंक के पार निकल गया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले के बाद पांड्या पर एक मैच का प्रतिबंध लग गया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शनिवार शाम मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए निर्णायक साबित होगा। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर रही। उसने इस सीजन में कुल 10 मैचों में हार का सामना किया है। राजकुमार राव ने अपनी फिल्म श्रीकांत के लिए खूब मेहनत की है, उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। हाल ही में अक्षय कुमार ने कहा कि अब राजकुमार राव को एक्टिंग की क्लास लेना शुरू कर देना चाहिए। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बिसेन न्यूज़। नमस्कार।